मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे हमारे शहर लोहरदगा में ही। तो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे इसी यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आज हम लोग आए हैं हमारे खेत में आलू लगाने। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो मैं इंटा 63 से शूट कर रहा हूँ, इसलिए आज का वीडियो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और साथ में मेरी वाइफ है सुनीता। तो दोस्तों, आगे बताते हैं अपना परिचय। मेरा नाम मिस्टर संग्राम हुआ। और दोस्तों, हम लोग दो भाई हैं, मेरा नाम संग्राम है और देख सकते हैं ये मेरे छोटे भाई हैं बैजू। तो दोस्तों, हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और मेरी पढ़ाई लिखाई मुश्किल से 10वीं तक हुई। और पढ़ने लिखने में मैं एवरेज से मतलब थोड़ा ज़्यादा था, क्या बोलते हैं कि मतलब अंधों में काना राजा। तो कि मतलब जो जो स्टूडेंट कमज़ोर थे उनसे मैं थोड़ा सा ऊपर था। तो और मेरी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे हमारे शहर लोहरदगा में ही। तो इस कारण मुझे देख के बहुत ही ख़राब लगता था कि मेरे पिताजी ये रिक्शा चलाते हैं और हम लोग को पालते हैं। तो इस कारण से मैं 10वीं के बाद दोस्तों मैं अपना पढ़ाई छोड़ दिया। और पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं कमाने जाने लगा बाहर, कभी कभी बनारस, कभी दिल्ली, कभी मुंबई। और इसी तरह मैं ये अपना काम करते गया। और इसी बीच 2009 में ये मेरे छोटे भाई बैजू का ये जॉब हुआ और मेरी हम लोग का शादी हुई दोस्तों 2007 में। और देख सकते हैं ये जो कुआं है ये, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो कुआं है, इसको मैंने नरेगा जो बोलते हैं सरकारी योजना, उसके तहत खुदवाया पिताजी लोग के साथ में। और पिताजी लोग बताए थे कि पहले यहाँ कुआं खोदा हुआ था, तो इसलिए मैं इसमें खोदा और आलू रोप दिए हैं। तो आलू रोपने के बाद वो मेरी वाइफ लगा रही है मूली, उसके बाद हम लोग इसको पटवन करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।